अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टाइम ज़ाया नहीं करते, आप अपना पेपर जल्दी से देख लें। एक दफ़ा अपना पेपर देख लें, और पेपर अवेलेबल है एलएमएस पे। जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपना पेपर जल्दी से देख लें एलएमएस पे। पेपर बेटा एलएमएस पे देखो, मिड टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्जाम क्यूरी के नीचे मिड टर्म एग्जाम का एक टैब बना हुआ है, वहां पर अवेलेबल है। टॉप पर, टॉप पर मिल रहा है जी, टॉप पर है बिल्कुल। अच्छा जी, तो पेपर आप लोग को मिल चुका है। अच्छा जी, आप सबने पेपर डाउनलोड कर लिया है? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो लीव कर सकता है। और सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखें, एक दफा मैं पेपर का रिव्यू दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर वन जो है, इसके अंदर आपने एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज लिखनी है कि कौन सा एनवायरनमेंट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कौन सा गेम या कौन सा एजेंट जो है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, और फेमस है सारी चीज़ें, काउंटर स्ट्राइक गेम, टेक्टिंग एजेंट, ठीक है, ऑनलाइन क्लास और लूडो स्टोर। इसके बाद दूसरा सवाल जो है, ड्यूरिंग लेक्चर्स हमने ए स्टार को एडमिसिबल प्रूफ किया था। आप थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि क्या किसी और तरीके से भी ए स्टार एडमिसिबल प्रूव हो सकता है, और जो भी आप सॉल्यूशन दें उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं 2-4 लाइन में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये जितनी भी जस्टिफिकेशन है ये सब अपनी वर्डिंग्स हैं, तो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, अदरवाइज में 0 मार्क्स है। ये देखें, हमें रियल वर्ल्ड की एक एग्जाम्पल देनी है जिसमें हिल क्लाइंबिंग को एक्सप्लेन करना है, और फिर एनिलिंग का बताना है। बेटा जो लिखा हुआ है ना, बस अब वो समझ ले आप और सोच के बता दें क्या एडमिसिबल किसी और तरीके से भी हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले मैं पेपर पूरा पढ़ दूं, फिर आपके जो सवाल हो वो आप पूछ।
क्वेश्चन नंबर 3 के तीन पार्ट है, एक एक नंबर के हैं तीनों, तो सोच के कीजिएगा, लेंथी नहीं कीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मांगी है आपसे, पूछा है कि बताइए रियल वर्ल्ड की कोई हिल क्लाइंबिंग की एग्जाम्पल आपके दिमाग में, और ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि एनीलिंग की कैसी मदद से हम रैंडम सर्च कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि वैक्यूम क्लीनर पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करता है, इसको प्रूव करना है अपनी वर्डिंग में, और फिर उसके पीस बताने। इसी तरीके से तीसरा सवाल है कि रैशनैलिटी क्या होती है, और व्हेन वी से रैशनैलिटी एनीथिंग इन रैशनल, यूज एनी सूटेबल एग्जांपल, कैसे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ रैशनल है या नहीं। तो एक एक दो दो लाइनों के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सवाल हैं छोटे छोटे से। यूज द अल्फाबेट्स ऑफ योर नेम एंड सर नेम एंड फिल द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग। अब देखें इसको समझ लीजिएगा वर्ड्स। मेरा नाम है उस्मान खान, तो उस्मान मेरा फर्स्ट नेम है और खान मेरा सर नेम है। मुझे इस ग्राफ को पिक करना है, और इस ग्राफ को अगर मैं BFS से ओपन करता, पहली और आखिरी दफा समझा रहा हूं, अगर इस ग्राफ को मैं BFS से ओपन करता यहां से, तो BFS से ओपन करते हुए नोड किस सीक्वेंस में ओपन होती, नोड मेरी किस सीक्वेंस में ओपन होती, उसी सीक्वेंस में आपने अपने नाम के अल्फाबेट लिख देने। जिस सीक्वेंस में आपकी नोड्स ओपन होती, उसी सीक्वेंस में आपने इन नोड्स के अंदर अपने नाम के अल्फाबेट लिख देने। 3, 3, 6 और 7 नोड्स हैं, तो सरनेम मिला के लिखना है। मतलब फर्ज करें उस्मान में सिर्फ 5 आते हैं, तो मैं सरनेम यूज कर लूंगा, तो यहां से स्टार्ट करूंगा। अब सबका अगर मैं लॉजिक समझाऊं, तो यहां पर यू आ जाएगा मेरे नाम का, उस्मान का यू। उसके बाद कौन सी नोड ओपन होगी, उसमें एस एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ गए? लॉजिक यूज करनी है BFS की, ठीक है। मैं समझा तो नहीं रहा, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर है ये, ठीक है। तो जितना मैंने एक्सप्लेन करना था कर दिया। इसी तरीके से DFS में भी यही काम करना है, कि यहां से स्टार्ट करें और यहां से स्टार्ट करते हुए DFS लगा के नोट्स को फिल करना शुरू कर दें। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से ये दो ग्राफ हो गए, तो इस ग्राफ के अंदर शुरू में इन ह्यूरिस्टिक का और इन कॉस्ट वगैरह का कोई काम नहीं है, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं, तीसरे पार्ट में देख ले जरा क्या है। तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि जो पार्ट 1 में आपकी ट्री बनेगी, उसको आपने ट्रैवर्स करना है। पार्ट 1 वाली ट्री को ट्रैवर्स करना है यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम। कौन सा एल्गोरिथम है? ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से यूज करना है, ठीक है। स्टार्ट नोड होगी फर्स्ट अल्फाबेट योर नेम, और गोल स्टेट होगी एक्स। ग्रीडी से सॉल्व करना है, ग्रीडी से इसको, ग्रीडी से सॉल्व करना है। स्टार्टिंग नेम होगी फर्स्ट अल्फाबेट, और आपको ढूंढना क्या, एक्स ढूंढना है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, बीम सर्च यूज करना है विद के इज इक्वल टू 2। अब बीम सर्च में के इज इक्वल टू 2 यूज करके इसको ओपन करना है, और अब बीम सर्च में आपको कॉस्ट या ह्यूरिस्टिक में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं फॉर बेटर डिसीजन। तो आप ह्यूरिस्टिक यूज कर लें, कॉस्ट यूज कर लें, दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट बड़ा सिंपल है। फिफ्थ पार्ट समझ लें, कंसिडर द फॉलोइंग नेटवर्क। आपसे कह रहे हैं डिवाइस प्रॉब्लम एंड गोल फॉर्मुलेशन फॉर द नेटवर्क स्टार्टिंग फ्रॉम एस एंड द, इसकी गोल फॉर्मुलेशन बतानी है आपने और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, चैप्टर 3 का स्टार्ट। नेक्स्ट, राइट ट्रेवल्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन नेटवर्क यूजिंग यूनिफॉर्म। इस पर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च लगाना है। एस से स्टार्ट करना है, जी जाना है, ठीक है। एस से स्टार्ट करना है, जी जाना है, छोटे छोटे से ग्राफ। आपने ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये सारी चीजें ओपन होंगी। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है वो थोड़ा सा आपने समझना है खुद, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझ लें। आपने इस मैप पे ए स्टार लगाना है, V1 से लेके V6 जाना है। इस ग्राफ पे आपने ए स्टार लगाना है, V1 से लेके V6 जाना है। और आपको कॉस्ट गिवन है, आपको ह्यूरिस्टिक गिवन नहीं है, लेकिन ह्यूरिस्टिक के बजाय आपको एक टेबल गिवन है। उस टेबल में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, और ये ABCDE जो है, ABCDE ये आपकी क्लास, सॉरी स्टूडेंट ID है। ये देखें, स्टूडेंट ID टू कंप्लीट द गिवन टेबल एंड सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट करें मेरी स्टूडेंट ID है 9090। फर्स्ट करें मेरी स्टूडेंट ID 9090, तो A9 है, B0 है, C9 है, D0 है। तो मैं यहाँ A पे 9 लिख दूंगा, B पे 0 लिख दूंगा, C पे 9 लिख दूंगा, D पे 0 लिख दूंगा। इज इट क्लियर? अब ये वाला पार्ट जो है, ये टोटल आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये काम होगा कैसे,
इसमें इसकी मदद से आपको क्या चीज निकालनी है वो थोड़ा सा आपने, तो ये इस पार्ट के अंदर जो आपके सोचने वाली बात है वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन इसको आपने ए स्टार से सॉल्व करना है, वी वन से लेके वी सिक्स तक जाना है। तो ये पेपर है आपका, छोटा सा पेपर है, पेपर दिखने में लंबा है लेकिन छोटे छोटे से इसके सवाल के जवाब हैं। तो अब आप मुझे बता दीजिए किसी का कोई सवाल हो तो, मेरा नंबर जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि वैसे भी आप अभी पूछ सकते हैं, मैं मौजूद हूँ, ये 0345-285-7449 मैं यहाँ मौजूद हूँ, और आप जिसको समझ में आ गया वो लीव कर सकता है। पेपर की जिस तरह से सबमिशन है वो सारी चीजें आपको पता है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में सबमिट करना है मैक्सिमम, और सिर्फ LMS पे सबमिट होगा, और LMS पे सब सबमिट कर दें तो फेसबुक की पोस्ट पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। मैं बिल्कुल क्वेश्चन 4 समझा देता हूँ, जैसे ही ये वीडियो एंड होगी तो ही मैं अपलोड कर सकता हूँ बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 4 के पहले और दूसरे पार्ट में सिर्फ अल्फाबेट फिट करने हैं, लेकिन उस सीक्वेंस में करने हैं जिस सीक्वेंस में आप इसको ओपन करेंगे नोट को बेटा। एक्सप्लेन करना है, रीजनिंग है, क्वेश्चन आंसर कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं दूंगा मैं ऑनलाइन में रम, ठीक है बेटा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एक एक दो दो लाइन में, हाँ ताकि ये सवाल था बस, ठीक है। तो बिल्कुल खुद सोचना है और किसी से डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जिसने पिक कर लिया वो पूरा सवाल कर लेगा, तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। जिसको लीव करना है लीव कर दे, और जिसको कोई और सवाल पूछना है पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी ने मुझसे कुछ पूछा है, सामान क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आईडी, देखें ABCD। तुम्हारी आईडी क्या है, तुम्हारी आईडी है फर्ज करो फाहम की आईडी 9758, तो ए हो गया 9, बी हो गया 7, सी हो गया 5, डी हो गया 8, इधर 9758 लिख दो। अब ये टेबल बन गया, इस टेबल को कैसे यूज करना है ये आप पर डिपेंड करता है, बिल्कुल कैम स्कैनर यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि पेपर टाइम से हो जाए, और दूसरी बात फेसबुक की पोस्ट पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्रॉस वेरीफाई के लिए, ठीक है। मैं जब एंड में देखूंगा तो मैं बताता रहूंगा कि किसने अभी तक सबमिट नहीं किया है। जी अदनान, अदनान कुछ पूछ रहे हैं, और बाकी चीजें ना इधर इंसर्ट कर दे हाथ से लिख के, समझ उसी की पिक्चर लेके हम कैन स्कैन की फाइल में अपलोड कर देंगे, वन इसमें सॉल्व कर दे बाकी सब ठीक है, आपने इसी में इंसर्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सर असल में इसमें इंसर्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड में, तो हम कैम स्कैन की फाइल ना वो मतलब वो जल्दी बन जाती है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसमें करोगे फिर वो क्या करोगे समझ में नहीं आया मुझे, फैट तुम्हारी पड़ती है। चले सर हम ये कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे पूरा, कोई बेटा 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से कर लो। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल है तो मैं मौजूद हूँ, अदरवाइज आप सुकून से पेपर करें, पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बार बार डिस्टर्ब हों और पूछें। जैसा दिल चाहे वैसा कर दे, मुझे आखिर में PDF चाहिए। आप लोग ये मीटिंग अगर लीव करेंगे तो फिर मैं फौरन अपलोड कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। ऑल द बेस्ट, और कोशिश कीजिएगा टाइम से कर लें ताकि हमारे एंड से कोई मसला ना। जी उसामा फरमाइए, साहब पूछिए बेटा, मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये जो टिकट एजेंट वाला था ना सर, वो नहीं समझ आ रहा, मतलब सिर्फ एजेंट को इंसान कर रहे हैं हम या एजेंट के ऑफिस को कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही बात। अरे बेटा टिकटिंग एजेंट का मतलब होता है तुम ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हो, तो आप सोच लो उसका पूरा सिनेरियो।
देखें हर किसी का जो आंसर है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है आप स्टैंडर्ड चीजों से हट रहे हैं तो आप ये कर लें कि आप वो मेंशन कर दें कि मैंने ये कंसीडर किया, एक लाइन में मेंशन कर दें कि मैंने ये कंसीडर किया है। सही है, चलें और किसी को कोई सवाल है? चलिए जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।